यमुना जी जाओगे? ऊपर कुछ करना है? हाँ वही जाना है, बोट में जाओगे। तो दोस्तों अभी निधिवन से चल के आए हैं ये इमनी ताला में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस लिए ये फेमस है। तो दोस्तों ये इमली ताला की पूरी लिखी हुई है कि किस लिए ये फेमस है। तो आप चलिए, ये इमली का पेड़ है ये वाला। ये है दोस्तों वो इमली का पेड़ जो है ना, ये पूरा जो ढक के रखा हुआ है, ये है ना दोस्तों फेमस है किस लिए कि यहाँ पे ठाकुर जी ने विश्राम किया था इस इमली के पीछे। और ये देखिए मेरे पीछे क्या मंदिर में फोटो खींचना मना है, तो अभी कैमरा बंद। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं और अपने आगे का सफ़र को कंटिन्यू करते हैं अपनी ई रिक्शा के साथ। दोस्तों सुबह के हुए हैं 9:15, तो हम निधिवन घूम के आ चुके हैं और अब जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर। और इमली ताला भी घूम के आए थे, बांके बिहारी मंदिर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है, वैसे ही आगे का प्लान करेंगे। तो चलिए अभी बांके बिहारी मंदिर चलते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि देखिए ध्यान था आगे। चलो क्योंकि यहाँ जो है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल ना हो, बाकी मैं बाहर से आपको दिखा दूंगा बाकी बिहारी जी का मंदिर कैसा है। चलिए पहले दोस्तों मेरे तो बाहर बिहारी मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हैं और भीड़ बहुत है, आप देखिए बहुत भयंकर भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मंदिर बाकी बिहारी जी का, अंदर फोटो खींचना मना है इसलिए अब मैं बाहर से आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब चलते हैं, प्रसाद यहाँ पेड़े का चढ़ता चढ़ा दिया।